भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर विद्यमान है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार ये मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा अपेक्षित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे सुखी रहोगे। अहंकार, घमंड, क्रोध से प्रकट हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका उस ऊपर वाले के सिवाय कोई गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तविकता भौतिक या मानसिकता में परिवर्तित हो जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये तो वो ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र व व्यवहार कभी नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप ले लेती है। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त दे कर देखो, वो आपका वक्त ही बदल देगा। कहते हैं कि कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का आवागमन जितना कम होगा जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। कि मन का झुकना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ सर झुका देने से भगवान नहीं मिल जाते। अगर आप उन बातों व परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में ना हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज सक्रिय भी हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब राज माना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा थोड़ा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता उससे ज्यादा तो वो नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ दो ही लोग बता सकते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी और कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना ही बने रहना। फिक्र तो वो करे जिनकी शक्लें खराब है।
सदा याद रखना, अगर आसमां बनाने वाले से आपका रिश्ता नेक है तो ये जमीन वाले आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखिए, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा होता है। कि यूं ही नहीं होती, हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र व परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर भी गहरी नींद आना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना भी पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल फायदा उठाना ही जानते हैं। किस समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई तो वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम व खुद के बारे में अधिक सोचो। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो वो हंसता है मगर डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सभी की कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए। सेवा का सही मूल्य भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 56 भोग के भी फिजूल है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखना। चांद ना भी मिले तो क्या, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के ऐसे विशेष अनमोल विचारों के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।